नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय हो महालक्ष्मी की, माता रानी आप सभी की झोली में सभी खुशियां भर दे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश त्रिपाली और आप देख रहे हैं आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड। कब है गज लक्ष्मी व्रत? शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मनोकामना पूर्ति के लिए लक्ष्मी प्रिय मंत्र। प्रिय साथियों, लक्ष्मी से ज्यादातर काम हमारे पूरे हो सकते हैं और लक्ष्मी ना हो तो जिंदगी में कई तरह की मुसीबत आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है। हर व्यक्ति लक्ष्मीवान बन सकता है। गरीब पैदा हो गए हमारी गलती नहीं है, हमारे संचित कर्म पुरुषार्थ प्रारब्ध है, लेकिन अगर गरीब रहते हुए मर गए तो आपकी ही गलती होगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने व्रत पर्व त्योहार के द्वारा हमें बहुत सारे ऐसे अवसर दिए हैं जिस पर आप विशेष साधना विशेष मंत्र उच्चारण करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। संसार में ज्यादातर व्यक्ति जो भी हो वो मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि सफलता की इच्छा जरूर रखता है। राजा से रंग बढ़ते देर नहीं लगती, छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी सदा उनके घर में निवास करे और धन के साथ जीवन में सुख ऐश्वर्य प्रदान करे। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे उस चमत्कारिक महालक्ष्मी व्रत की जिसे करने से आपको सभी सुख समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इस व्रत को गज लक्ष्मी व्रत कहते हैं, जो कि आश्विन मास की अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2021 बुधवार यानी कल है। इस व्रत में मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने पर मां अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर करती है। साथ ही प्रिय साथियों, इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन अपने घर के लिए स्थायी चीज को खरीदना शुभ होता है। इस दिन जमीन खरीदना, कोई बड़ी डील करना, कुछ भी ऐसा जो स्थायित्व तो प्रदान करे वह सब कुछ करना शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी को समर्पित होने के कारण इस दिन सोना खरीदने के 8 गुण बताए गए हैं। आपका रुपया, पैसा, धन, दौलत, आभूषण दिन दुना रात चौगुना हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष शुभ मुहूर्त की। अष्ट लक्ष्मी 28 सितंबर शाम 6:16 से शुरू हो जाएगी और ये 29 सितंबर पूरे दिन 8:29 रात तक रहेगी। पूरे दिन भर में आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रसन्न करने की पूजन विधि। देखिए, गज लक्ष्मी व्रत के पूजन के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के साथ उनकी सवारी हाथी पर, इसीलिए गज लक्ष्मी, गज का मतलब हाथी, हाथी के ऊपर विराजमान लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सुबह नहाकर अपने निवृत्त जो भी सुबह के काम है उससे निवृत्त हो जाए, उसके बाद लाल रंग के वस्त्र आप भी धारण करें, संभव ना हो तो पत्नी धारण करें, पत्नी आपके राइट में बैठे, आप जो है उनके लेफ्ट में बैठी। दिन भर व्रत रखें, स्वागार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और आप संध्या के समय यानी शाम के समय पूर्व दिशा में एक बाजोट पर आटे और हल्दी की सहायता से अष्ट कमल दल बनाएं। मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि अष्ट दल कैसे बनता है। अष्ट दल पर लाल गुलाब का आसन बनाकर मां लक्ष्मी और चांदी या मिट्टी के हाथी यानी गजराज स्थापित करें। फिर मां की मूर्ति के दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हो जाएगा और मां लक्ष्मी का राइट हो जाएगा, पानी का एक कलश स्थापित करें। कलश में स्वच्छ जल, गंगा जल, अक्षत यानी चावल और पुष्प डालिए। कलश पर एक कटोरी रखें और उस कटोरी पर सोने का कोई भी आभूषण रख दीजिए। सबसे बढ़िया है कि मंगल सूत्र रखा जाए। आपके पास जो भी रुद्राक्ष की माला, अंगूठी, कुछ भी है वो आप वहां रख दीजिए, सिद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब महालक्ष्मी और गज को धूप, दीप और लाल गुलाब की माला और इत्र अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं और इसके बाद महालक्ष्मी के मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः की कम से कम 11 या 21 तक जाप करें। जाप पूरे होने के बाद माँ की आरती और माँ की स्तुति करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, हाथ न जोड़ें, इस प्रकार हाथ रखें, विशेष मंत्र से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। अब एक अंतिम विषय मेरा यह है, मां भाव की भूखी होती है। आपने देखा होगा कि आप अपनी मां को बड़े प्यार से बोलते हैं तो कितना दुलार करती है, वैसे ही मां लक्ष्मी भी यही करेगी। सच्चे मन से मंत्रों का जाप करने पर मां लक्ष्मी पैसों से जुड़ी, आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याओं और परेशानियों को दूर करती है। कैसे दूर होगा? क्या मां लक्ष्मी आपके पास कोई डॉलर, पाउंड, किसी और करेंसी, भारतीय करेंसी, रुपए में आपको कोई पैकेट देगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को कभी भला नहीं होगा। बेटर क्या होगा
कि जब आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपको एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से आप जो काम करते हैं, सही आदमी से मिलेंगे, सही डील करेंगे, सही यात्रा करेंगे, सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, ये होता है। याद रखिए, मंत्रों के जाप के समय कमल गट्टे की माला हो तो सर्वश्रेष्ठ। इसके साथ साथ प्रिय साथियों, दो मंत्र मैं और दे रहा हूं, एक एक मिनट ही हो इन मंत्रों का भी जाप करें। मां लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मां लक्ष्मी नमः। दूसरा है ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। प्रिय साथियों, इन मंत्रों का भी अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित मानिए विष्णु लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का सदैव वास रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सके, यह मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी को गज लक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।